Hey, what's happening guys? कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज, आज वैसे मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, पर आज मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि फाइनली हमारे 322,000 कॉइन्स क्रेडिट्स हो चुके हैं और हम अभी हमारा मिसाइल रैक 8 को ले सकते हैं। लेट्स गो, अभी हम मिसाइल रैक 8 को लेंगे और हमारे मिस्टर सर शॉक पल्स वाले सर जी, जिनका नाम है जैफर, उन पर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो लेट्स गो, हम लोग अभी वेपन्स में जाकर, लेट्स गो गाइस। ये रहा हमारा मिसाइल रैक 8, अभी इसको अनलॉक करेंगे और एक फटाफट से एक गेम खेल कर इसका टेस्टिंग कर लेंगे। सो गाइज, लेट्स सी अब हमारा क्या होगा। ओके, लेट्स गो ना। अभी हम लोग अनलॉक करते हैं हमारा मिसाइल रैक 8 इन 3, 2, 1। अरे वाह, लॉल। ओके, हम लोग अभी हमारा मिसाइल रैक 8 अनलॉक करेंगे। 3, 2, 1, अनलॉक। लेट्स गो गाइज, मिसाइल रैक 8 इज अनलॉक्ड। और एक और चीज़ गाइज, मेरे को आपको ये बताना था कि गाइज, अगर मतलब मेरा ये कहना है कि अभी हम ए कॉइन्स बचा रहे हैं डायरेक्ट 8,000 तक, ताकि हम हमारे सर जी रीडॉक्स को ले सके। पर एक्चुअली गाइज, मैंने जब आज सुबह चेक किया कार्बाइन 12 का, तो मुझे पता चला कार्बाइन 12 जो है उसकी इक्विप लिमिट 1 ही है। तो जब मैं उसको लेवल 7 पे लेकर जाऊँगा, तभी उसका जो ये है रेट नहीं, क्या बोलेंगे अब उसको, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। आई थिंक सो, हाँ, उसको लेवल अप करेंगे तो उसका इक्विप लिमिट 2 हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल तो कार्बाइन 12 लूँगा पहले, और उसके बाद मैं ना रीडॉक्स को लूँगा। तो क्या मैं कार्बाइन को अपग्रेड भी कर लूँगा, और उसके बाद में कार्बाइन को अपग्रेड करने का क्या है, उसका इक्विप लिमिट 2 हो जाएगा। लेट्स गो, फिर हम उसको रिडॉक्स पे ले लेंगे। अब हमें ये भी चेंज करना है मिसाइल रैक के साथ। लेट्स गो, फाइनली गाइस, अभी हम इसको अपग्रेड करेंगे। एक सेकेंड, लेट्स गो। ताकि हम इसे अपग्रेड कर सकें, और एक बार मैं इम्प्लांट इंडेक्स में जाकर स्क्रैप कर लेता हूँ। चलो, जो नहीं चाहिए मैं वो स्क्रैप कर लूँगा। बस मुझे बस एक 150 चाहिए। अभी हम इसमें जाकर इसको अपग्रेड करेंगे, बस और कुछ नहीं। लेट्स गो गाइस, एक फटाफट से क्विक मैच खेल लेते हैं हम लोग, कंट्रोल पॉइंट क्लैश। लेट्स गो, हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। इस बार हम पहले एक काम करते हैं, बीच वाला कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करेंगे और उसके बाद हम लोग जैफर को स्पॉन करेंगे। और भाई, ये जैफर ने तो हेलीट्रैक ले रखा है भाई। ये गन बहुत खतरनाक दिखती है और ओपी है, इसका डैमेज बहुत सही है। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। ओके, लेट्स गो। कोई नहीं, अभी हम डायरेक्ट अपने इसको स्पॉन करेंगे, अपने सर जी को। कहाँ है? ओके, लेट्स गो, इधर आओ। पहले तो मेरे को इसको पॉज करना है। आर यू सीरियस? नो, नो यार, शिट। हर जैफर के ऊपर मिसाइल रैकेट, तब तक ही ओपी। मज़ा आ गया यार गाइस, मज़ा आ गया। लेट्स गो, ये है एमडी ना। एक काम करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे एक सीरेट छोड़ देता हूँ, और अगर मैं भी ये एमडी पे इंटरेस्ट हो तो ओ भाई, यहाँ से मेरे को गया यार ये।
बैस्टियन बहुत खतरनाक गेम प्ले कर रहा है यार। ओपी, मैं भी सोच तो रहा हूँ कि बैस्टियन को ले ही लूँ। क्योंकि एक्चुअली बैस्टियन एक अच्छा पोकेमॉन है। पोकेमॉन एक अच्छा मैच है। बैस्टियन भाई 3 बार किल कर दिया, नेमेसिस लेना है क्या? डिबंक, ये लगता है मेरे से ना बदला उतार रहा है। क्योंकि गाइस मैं ऑफ वीडियो बहुत बार है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैं ऑफ वीडियो बहुत बार खेला हूँ टूर्नामेंट, तो उसके अंदर मेरे को एक डिबंक नाम का बंदा मिला था। मुझे एक और मैच स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैच स्टार्टेड। अगर कोई अच्छा खासा मैप आ गया ना, छोटा मैप स्मॉल, तो उसके अंदर अपना जेफर तो काम बहुत ज़्यादा ही आएगा। और लॉन्ग रेंज मैप रहेगा तो क्या अपना डिस्क लॉन्चर ब्रो है ना। आ हा, काम करते हैं फटाफट से, कंट्रोल पॉइंट्स कैप्चर करते हैं और उसके बाद हम अपने जेफर को लेके आएंगे। जेफर भाई मेरे को मस्त फीलिंग आ रही है। मैं जेफर पे मिसाइल रैकेट लगा दिया। एक्चुअली मेरे को लगा था ये कलन वाला है, पर मैंने ना अपना जो क्या बोलते हैं उसको प्ले लिमिट जो है मैंने वो क्लियर किया। मेरा फुल हो गया था एक्चुअली, मेरा प्ले लिमिट फुल हो गया था, उसके बाद मैंने उसको क्लियर किया। उसके बाद जाकर मेरे पास जो है ये आया। बैस्टियन है क्या? अभी मैंने जस्ट उसका ब्लास्ट देखा। वो देखो वो रहा बैस्टियन, बैस्टियन वो भी किसका डिस्क लॉन्चर के साथ है वो बैस्टियन। वो पक्का हमें ही मारा। ओ मैं गुरु को थोड़ा सा कवर अकेले। अरे मेरे को इसको मारना चाहता है, इसको मारा। अरे वो कंट्रोल पॉइंट कैप्चर कर रहा है। नो भाई क्या मेरा गेम प्ले बहुत खतरनाक है। द गेम चेंजर इज बैक बॉय। वेल डन गाइस। OMG आई एम ऑलमोस्ट। अच्छा उसका एक और था क्या? 20 FF। ओके मैं कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी 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 फास्टर भाई, जल्दी कर ले, मैं ना आके पॉज कर दूंगा फटाक से। शॉक वे ओ भाई, सही टाइम पे आए हम। नो यार सर, जोपी डैश का भी डैमेज देता है, फाड़ देता है ये सर्च तो। मैं काम करता हूँ इधर पर। मैं उसको क्या किल किया है उसको पता ही नहीं था। बूस्ट रुको, 5 4 3 2 1 बस 3 सेकंड रुक जा, कैप्चर किया मैं, देख ले। हमारे पास शील्ड है। हेल यार, वेल डन। EM राइफल 16 लेके बैठा है, वो भी गेट क्रैशर। वेल डन ब्रो। अरे कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करो, मैं किधर से आऊँ? अगर मेरा स्पॉन टाइम चालू हो गया तो फिर मैं गया, मेरे को इधर ही सी वाले पॉइंट पे। अरे सीरियस ब्रिक हाउस। क्या हो रहा है भाई? ब्रिक हाउस उठा के ले आया वो भाई। ब्रिक हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एवर। भाई आई नीड टू हाइड ब्रो, भाई आई नीड टू हाइड। जीत गए, लेट्स गो। यू हैव वन मैच। मैं थोड़े बहुत शॉर्ट अपलोड करूंगा अपने जेफर सर जी को लेकर।
भाई आज वो भी सोच रहा होगा आज फाइनली अब मेरे को एक अच्छी खासी गन दी इसने। ओह ये बॉय इस बार इतनी लगेगी क्या? ये क्या ग्लिचेस होते रहते हैं यार, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐड देखना ही नहीं है। एन एरर ऑकर ओके। ओह ये बॉय फाइनली भाई मैं तो अभी ये ना ये जो ये क्या बोलते हैं इनको फॉर्च्यून कीज में बचाने वाला हूँ ताकि जब हमारा ये रिफ्रेश होगा कितने कब रिफ्रेश होगा ये 2 डेज तो मैं उसके बाद जब मेरे को वापस 400 का ये आएगा तब मैं उसको भी लूँगा। लेट्स गो अचीवमेंट्स जेफर आया होगा, लेट्स गो लगा था मेरे को जेफर आया होगा। चलिएगा इस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन के लिए बाय बाय। और रुको जाओ मत, सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने मैजिक ट्रिक बताई है वो यूज़ किया करो, मज़ा आएगा।